हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पीनेस इज़ हियर। तो गाइस, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जिस रास्ते से मैं उस दिन आई थी नीचे रोड वाले घर से, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, वहीं नीचे वाले घर पे जा रहे हैं, और मैं रास्ता भी वो आपको दिखाऊंगी कि किस रास्ते से हम सब लोग चढ़ते हैं ऊपर। थोड़ा सा हाइट पे है वो रास्ता, मुश्किल लगती है थोड़ी सी। एंजल को भी उठाया हुआ है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी अच्छे से कि आप लोग को दिखा सकूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं अपने घर से निकल ली हूँ, उसी रास्ते पे हैं। तो आप लोग भी देखिए कि कैसा है वो रास्ता। ये वही रास्ते से व्यू दिख रहा है आपको, कितना प्यारा लग रहा है। ये घर है यहाँ पे दोनों तरफ, ये मेरे चाचा जी ही लगते हैं जिनके घर हैं ये। नितम, चाची जी हैं। अच्छा, ये कौन है? ये किसकी गुड़ी है? ओ तेरे की बड़ी हो गई। नित्यम कम हियर। बस 31st की वापसी नित्यम। यहाँ से नीचे उतरते हुए पैर बहुत जमा के चलना पड़ता है, नहीं तो कभी भी आप लोग फिसल सकते हैं। देखें, हम इस रास्ते से आए हैं, ऊपर से सीधी चढ़ाई है, और अभी यहाँ से नीचे हम लोग को जाना है। यहाँ नीचे रोड दिख रहा होगा आप लोग को। लोग उसी रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी तेज चढ़ाई थी, थक जाते हैं जब चढ़ने लगते हैं। उतरते समय तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर चढ़ने के टाइम पे होती है। ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मंदिर शिव मंदिर है, और साथ में हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पे कुआं है। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ कुएं से पानी लेके जाते थे घड़े में भर भर के। और यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने, ये जामुन का पेड़ है, और इधर वाला ये आम का पेड़ है। तो पहले हम लोग घर पे चलते हैं, वहाँ पे गाय है। ये हम लोग का घर है, यहाँ पे ही हम लोग आए थे उस दिन, जिस दिन लुधियाना से आए हैं। यहीं पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, और यहीं पे सब लोग, चाचा जी वगैरह सब लोग यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं। साथ में हमारा खेत भी है यहाँ पीछे। ये जो हमारी गाय है उसका बेबी है, एंजल बेबी, छोटा सा बेबी, गाय का बेबी है, देखो एंजल। एंजल एंजल, ओ नानी भी आ गई, नानी ने तो सरप्राइज दे दिया आके। अले अले अले, नानी आ गई। ये
ये चाची जी दूध ले रही हैं। मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगी। ये यहाँ पे धुआं किया जाता है ताकि इनको मच्छर वगैरह ना काटे। प्योर चीजें तो यहीं पे गांव वगैरह में ही मिलती हैं, शहरों में तो कुछ प्योर नहीं मिलता। ये हमारे भाई जी हैं। ये यहीं पे रहते हैं, ये यहाँ की देखभाल करते हैं गाय की। भाई जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि चिंतपूर्णी में माता का मंदिर है और एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पानी को लेके, क्योंकि होटल्स में वाटर सप्लाई इतनी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। तो मेरे चाचा जी ने यहाँ पे पानी के लिए, पानी सप्लाई के लिए बोर कर रखा है, तो ये टैंकर्स में भरकर वहाँ पे होटल्स में सप्लाई किया जाता है पानी यहाँ से। और ये जो मैंने आपको वाटर टैंक दिखाया था ऊपर, तो ये इसी में पहले पानी इकट्ठा होता है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ भी होता है, तो उसी में पानी इकट्ठा करके रखा जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर में माथा टेकने के लिए। मैं जब छोटी थी तो हर रोज शाम को अपनी चाची, अपनी बहनों के साथ आती थी यहाँ पे जोत जलाने के लिए। बहुत मतलब एक रूटीन ही था हमारा कि हर रोज आना ही आना है यहाँ पे। साथ में वॉक भी हो जाती थी और साथ में पूजा भी हो जाती थी। अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं रोज शाम को यहाँ पे दिया जलाने के लिए। हम लोग रहते हैं शहरों में तो थोड़ा बिजी हम लोग की लाइफ है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ आज भी बहुत सुकून भरी है। अभी ये रास्ता है, वंश ने अभी मुझे दिखाया है जहाँ से मुझे नीचे उतरना है। तो ये पीपल का पेड़ था जो ये गिर गया एक्चुअली बारिश से, तो अभी ये इस पे ही गिरा हुआ है, तो अभी इसको निकाला नहीं, यहाँ से ठीक नहीं किया, तो हमें इसी से ही निकल के जाना पड़ेगा। सामने वाला भी एक रास्ता था बट हम लोग इस तरफ से आए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। चलो ध्यान से उतरो, एंजल को पकड़ लो। वंश यहाँ पे खड़ा और एंजल को पकड़ कर ले, ध्यान से पकड़ना। एंजल जाओ मामू, मामू मामू, ध्यान से वंश। मैं भी आ रही हूँ। चलो मैं पकड़ लेती हूँ, तूने डंडा भी पकड़ा हुआ है। नित्यम ध्यान से, ये फेंक दो, पत्थर फेंक दो। नो नित्यम, डंडा पकड़, डंडा पकड़ी हो पकड़ो, ये गिरना मत। आओ नित्यम, आप मेरी हाथ पकड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो डंडा। क्या करना डंडे का? अच्छा एंजल को मामू ने उठाया। आप पकड़ लो, यही पीपल का पेड़ है जो गिर गया था बारिश से। आपको एक चीज तो मैं अपने बाबा की, आपके बाबा की, हमारे बाबा की, इसमें से आज नहीं निकल। हम अभी इस रास्ते से आए हैं और ये कुआं है। जब हम छोटे थे बचपन में यहीं से पानी लेके जाते थे, निकाल के बकेट से, रस्सी से यहाँ से निकालते थे। अभी तो बंद कर दिए इसको, या फिर ये हैंडपम्प था तब, तो इससे लेके जाते थे पानी, घड़ा सिर में उठा के। और ये शिव मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा करते थे, वो हनुमान जी का मंदिर है।
और यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के बाद वो जग होता है, जग बोला जाता है, भंडारा होता है, वो होता था, होता है, सॉरी। ये व्यू है यहाँ का, ये जो मैंने बताया था जामुन का पेड़ है। हम लोग का घर यहाँ है, इससे ऊपर जाते हैं इस रास्ते से तो हमारा घर आता है। यहाँ पर कपड़े धोते थे। ये जो बना हुआ है, जब कुआं यूज में होता था तो यहाँ पे कपड़े धोए जाते थे, या पानी इकट्ठा होता था। ये रास्ता जो नीचे गया है, ये भी एक गाँव को गया, इससे भी नीचे एक गाँव है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे ना बचपन में चली गई हूँ। ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये वाइट कलर के फूल, आई होप सो आपको दिख रहे हों। ये हम लोग इकट्ठे करते थे एक टोकरी में और ऊपर चिंतपूर्णी माता के मंदिर में लेके जाते थे। ये यहाँ पे जो घर बना हुआ है, यहाँ पे ये बाग था और यहाँ पे फूल ही फूल होते थे जब मैं छोटी थी, तो इतना अच्छा लगता था। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आती थी और खूब यहाँ पे हम लोग मस्ती करते थे, बहुत मज़ा आता था। अभी फिर से ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम में वापस आ गई हूँ। वंश, नित्यम, आ जाओ। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं जय जय मंदिर में। चप्पल लिया। नित्यम रहने दो, नहीं है। चलो जय जय करो, ये जय 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 जय, अंदर आ जाओ। अभी एक बार तो बोलना, ये जय 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 जय, ये जय 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 बोल गणपति जी, जय जय हो गणपति जी। यहाँ पर हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान मंदिर। तो ये मंदिर है शिव मंदिर, और ये हनुमान जी का मंदिर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ भी गिर गया था कुछ साल पहले बारिश की वजह से ही, और बहुत पुराना हो गया था, तो अभी ये नया पीपल का पेड़ लगाया है। और यहाँ पे हवन होता है। ये लुक है यहाँ का। तो हमने मंदिर में माथा टेका, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जहाँ जहाँ भी मैं लेके गई हूँ आपको, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा देख के। इतना शोर एंजल मचा रही है। हाँ बोला, मजा आ रहा है। ओह नहीं 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 नहीं।
तो अभी शाम के 6:30 हो गए हैं और हम लोग अभी घर जा रहे हैं, पर अभी मैं उस रास्ते से घर नहीं जा रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था कि और टफ है, उस रास्ते से हम लोग घर जा रहे हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे हम और जल्दी पहुंच जाते हैं, पर जब मैंने एंजल को नहीं उठाया होता है तभी मैं इस रास्ते से जाती हूँ, क्योंकि ये पूरा पत्थर पत्थर वाला रास्ता है। ये हमारा छोटू। पहले पुराने ज़माने में यही रास्ते होते थे, पहाड़ों में ऐसे ही रास्तों से लोग आते जाते थे। अभी डेवलपमेंट हो गई है तो थोड़े अच्छे रास्ते बन गए। बंदर भी होते हैं यहाँ पे, उनसे बचते हुए मुझे चलना पड़ेगा। इस रास्ते से तो बहुत ही जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट है ये, बस ये पतला सा है, पत्थरों वाला है और यहाँ पे बंदर बहुत मिलते हैं रास्ते में, इसलिए सीधे रास्ते से जाना ज़्यादा बेटर रहता है। पर अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि एंजल को पहले ले गए हैं, तो जल्दी से पहुँच जाऊँगी इस रास्ते से। तो अभी फाइनली ऊपर पहुँच गई हूँ मैं, 5 मिनट भी नहीं लगे पहुँचने के लिए, फिर सांस चढ़ गए। खेल रहे घर पे आ गए हम लोग, एंजल खेल रही है अपनी नानी के साथ। हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो, अभी तो खेल रहे थे।